गुजर गया चक्रवात रेमल, पश्चिम बंगाल में मचाई भारी तबाही, खिलौनों की तरह उड़ी घरों की छतें, पत्तों की तरह उड़े पेड़, भारी बारिश। साइक्लोन रेमल रविवार रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तट से टकरा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बताया कि चक्रवात रेमल रविवार रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच पहुंचा। मौसम विभाग ने आगे बताया कि जिस वक्त तूफान की टक्कर तटों से हुई उस वक्त हवा की रफ्तार 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। ये हवा बढ़कर आगे 135 किलोमीटर प्रति घंटे की भी रफ्तार तक पहुंची। तूफान की तट से टक्कर की शुरुआत बीती रात करीब 8:30 बजे के करीब हुई, जो करीब अगले 4 घंटों तक चलती रही। विभाग ने बताया है कि सोमवार को धीरे धीरे यह कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। हालांकि इसने पश्चिम बंगाल में तबाही के निशान भी छोड़े हैं। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, घर जमी दोज हो गए और बिजली के खंभों को भी गिरा दिया है, जिसके चलते कुछ जगहों पर बिजली की भी समस्या हो गई है। हालांकि व्यवस्थाओं को लेकर काम चालू है। रेमल की तबाही के बाद नुकसान को लेकर साउथ कोलकाता के DC प्रियाव्रत राय ने क्या कुछ बताया था, सुनिए। सिचुएशन तो देखिए, कुछ कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। सुबह तक आई थिंक सिचुएशन विल बी ओके। ना देखिए, प्रशासन की तरफ से जो है पुलिस का अभी ये साइक्लोन को लेके स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम पूरा रात मॉनिटर कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज आल्सो बीइंग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून से पहले ही बंगाल की खाड़ी में आने वाला यह पहला साइक्लोन है। IMD ने पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में 27 मई को अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। इसके अलावा असम और मेघालय में भी अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका है। IMD के अनुसार यह कुछ और समय तक लगभग उत्तर की ओर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा। सोमवार को यह धीरे धीरे कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। वहीं कोलकाता में चक्रवात रेमल के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव भी देखा गया है। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान।